हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि ईच वन ऑफ यू आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है जो आप लोगों को पसंद आती है, इसीलिए मैंने सोचा कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी और ग्रुप सिलेक्शन रखूँगी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि जिससे भी आप प्यार करते हो या जो भी पर्सन आपके दिल में ही है, उसकी करंट फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ हम फीलिंग्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके भी इस बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कल भी मैंने बताया था वीडियो में, ये मैंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये है प्रोटेक्शन स्पेल जार। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाती है, आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हर समय, तो ये प्रोटेक्शन जार आप ऑर्डर कर सकते हो। ये जैसे आप ऑर्डर करोगे आपके लिए बनेगा स्पेशली, ठीक है। ये आपको बस अपने पास रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको संभालना है, अपने पास रखना है, जितना रख सको। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे लेकर जाओ, लेकिन जितना पॉसिबल है अपने बैग में या आप जहाँ काम करते हो रखो, अपने साथ रखो, या जहाँ सोते हो, जहाँ रहते हो, ज़्यादा उठते बैठते हो वहाँ पे अपने पास रखो। लेकिन ये कांच का है, आपको इसको संभाल के रखना है। इसको इसके साथ मैं आपको एक बॉक्स भी देती हूँ, तो उस बॉक्स में भी रख के आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन स्पेल जार है, आप अगर लेना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपने लिए आप बनवा लो प्रोटेक्शन स्पेल जार। क्योंकि आजकल लोग बहुत नज़र लगाते हैं, बहुत लोग आजकल कुछ ना कुछ यू नो स्पेल वर्क वगैरह करते हैं किसके ऊपर। कोई आपसे जल कर करता है, तो कोई आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, कोई आपको स्टक रखना चाहता है अपनी लाइफ में। तो ये हर एरिया ऑफ लाइफ से आपकी नेगेटिविटी को हटाएगा भी और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। और दूसरा है स्पेल प्रोटेक्शन स्पेल ऑयल। तो ये एक ऑयल है जो मैं रिचुअल करके बनाऊंगी आपके लिए। ये दोनों भी चीज़ें मैं आपके लिए बनाऊंगी, जब आप ऑर्डर करोगे तब आपके लिए बनेगा। और क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक चिट है, दिख रही है आपको ये वाइट कलर की जो रोल है, छोटा सा स्क्रोल है, इसमें आपके लिए स्पेल लिखा होगा पर्सनली आपके लिए, आपके नाम से, ठीक है। वैसे ये स्पेल ऑयल है, अभी ऑयल है, इसमें मैं स्क्रोल तो नहीं डाल सकती, बट ये आपके लिए बना होगा, ठीक है। आपको यूज़ कैसे करना है इसको, आपको रोज़ यूज़ करना है, जब आप नहा लेते हो, फ्रेश हो जाते हो ना, बस इसको अपने रिस्ट पे लगा लो, ठीक है। मेरे और भी स्पेल ऑयल्स हैं, जैसे कि लव रोमांस स्पेल ऑयल और करियर मैग्नेट मनी मैग्नेट स्पेल ऑयल, ठीक है। अब लव रोमांस स्पेल ऑयल क्या करता है, आपके अगर कोई पर्सन दूर हो चुके हैं आपसे, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, वो पैशन नहीं रहा, वो क्रेविंग नहीं रही, आप चाहते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपके लाइफ में वापस आ जाए, वो आपसे बात करे, वो आपके लिए ऑब्सेस करे, चाहे आपका रिश्ता जैसा भी चल रहा हो, वो ऑयल जो है वो आपके काम आएगा, आप उन उस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मेरे पास मनी मैग्नेट ऑयल भी है, तो वो आप किस लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने अकेडमिक्स में, या आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप प्राइवेट जॉब चाहते हो, आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप स्विच करना है, मतलब आप जो जॉब का पर्पज़ है, आप बिज़नेस करना चाहते हो या बिज़नेस करते हो लेकिन उसमें ग्रोथ चाहते हो, हर केस में आप मनी मैग्नेट ऑयल यूज़ कर सकते हो। और तीनों भी ऑयल अगर ले लो आप, तो तीनों ऑयल आप लगा सकते हो अपने रिस्ट पे, यहाँ लव वाला लगा लो, यहाँ करियर वाला लगा लो, यहाँ मनी मैग्नेट वाला लगा लो, प्रोटेक्शन वाला जो भी है लगा लो, ठीक है। तो वैसे ही है, ये प्रोटेक्शन ऑयल है, आप इसको दिन में कितने बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक ही है, ये ऑयल है तो ये ख़त्म तो होगा, राइट। तो आपको इसको फिर से लेना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। मैं इसके हमेशा जब भी आप ऑर्डर करोगे आपके लिए बनेगा। एनीवेज, तो चलो, अगर आपको लेना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो। मेरे पास जार्स भी दो और प्रकार के हैं, सॉरी तीन और तरीके के जार्स मेरे पास है। विश फुलफिलमेंट स्पेल जार भी मैं करती हूँ, जैसे होता है ना कि आपकी कोई विश है वो आप पूरी करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम आप मुझसे जार बनवा सकते हो, विश फुलफिलमेंट जार, वो भी अवेलेबल है। आप मनी मैग्नेट करियर के लिए भी अपने स्पेल जार बनवा सकते हो, आप लव रोमांस के लिए भी स्पेल जार बनवा सकते हो। तो इस तरह से
अलग अलग चीज़ों के लिए आप जार्स एंड ऑयल्स बनवा के मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ग्रुप्स बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे होंगे, राइट। ग्रुप नंबर वन में भी कुछ इनिशियल्स है, ग्रुप नंबर टू में भी कुछ इनिशियल्स है। आपको अपने पार्टनर का इनिशियल देखना है किस ग्रुप में आता है। क्या आपके पार्टनर का इनिशियल ग्रुप वन में आता है? क्या आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल ग्रुप नंबर टू में आता है? देखो किस ग्रुप में पड़ता है उनके नाम का पहला अक्षर। जिस भी नाम से आप बुलाते हो, कंफर्टेबल हो, वो नाम आप, उस नाम का इनिशियल आप देख सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर वन। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके जो पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उनका नाम इस ग्रुप में आता है, चलिए देखते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके करंट डीप इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलो लाइट करते हैं कैंडल को एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं। तीन बार आप उनका नाम दोहराइए मन में अपने और डिवाइन से प्रे करिए कि इस रीडिंग के थ्रू उस पर्सन के मैसेजेस आप तक पहुंचे। आपके जो भी मन में सवाल है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उनके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाए। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, आपके एंजल्स और ये एंजल्स प्लीज गाइड करिए और डिवाइन प्लीज हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए कि पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं। ग्रुप नंबर वन के लिए प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये पर्सन आपकी जिंदगी से गायब हो गए थे एक समय पे, ओके। ये बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, विदाउट रीजन ये आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे और अब ये आपको बताना चाहते हैं कि क्यों गायब हुए थे, क्यों चले गए थे, क्यों डिस्कनेक्ट हो गए आपसे। उसके पीछे की वजह आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेल एग्जैक्टली रीज़न क्यों वो दूर भागते आपसे या क्यों वो चले गए थे आपसे दूर। उनकी मंशा क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, वो क्या एग्जैक्टली फील करते हैं आपके लिए। मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतनी क्रेविंग है, इतना प्यार है, इतनी ज्यादा फैंटेसी रखते हैं ये पर्सन आपको लेकर के जिसकी कोई हद नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आप शायद इतना नहीं सोचते होंगे उतना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। तो ये कैसे आपसे अब झूठ बोल सकते हैं, राइट। उनको खुद को अब ये चीज़ फील हो रही है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना। जैसे होता है ना कि एक इंसान खुद को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपने मन को यू नो कहीं ना कहीं दबा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अब वो नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन से। अब वो अपनी क्रेविंग, अपना प्यार, जो कुछ पैशन, अट्रैक्शन, जो भी ये फील करते हैं आपके लिए, वो उसको कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर दबा नहीं पा रहे हैं। अब वो खुलकर आना चाहते हैं। दे आर मिसिंग यू लाइक हेल। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये जितने दूर है ना आपसे, उतनी ही प्यार, ऑब्सेशन, प्यार इंटेंसिटी इनकी बढ़ती जा रही है आपके लिए। बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर ऑब्सेशन मुझे इस पर्सन की दिख रही है आपको लेकर। प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है। जैसे बोलते ना किसी इंसान को आपकी जैसे लत लग गई है, दे आर लिटरली अडिक्टेड टू यू, ओके। बहुत मेमोरीज है इस पर्सन के पास आपकी, बहुत सारी यादें हैं। ये उन यादों को भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपसे अपने मन को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को आपसे कहीं और ले नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप पे ही अटके है। बहुत मेमोरीज है इस पर्सन के पास आपकी। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, जैसे कुछ जोड़ता है उन्हें आपसे। अगर वो आपसे दूर भी होते हैं ना, तो वो आपसे दूर नहीं होते हैं, वो मेंटली इमोशनली जुड़े होते हैं आपसे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के जो नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं ना, वो बहुत शॉकिंग होने वाले हैं आपके लिए, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कोई एक्शन ये पर्सन लेने वाले है, ऐसा कुछ ये करने वाले है जो आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, बहुत ही शॉकिंग होगा, ओके। एक चीज़ तो है, आप दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड था। आप दोनों का बॉन्ड ऐसा था जैसे किसी की नज़र लग सकती थी, और डेफिनेटली किसी की नज़र लग गई है, ठीक है।
बहुत सैड है ये चीज़, आजकल लोग कैसे नज़र लगाते हैं किसी के रिश्ते को। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि प्यार तो बहुत करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जहाँ एक्सप्रेस करने की बात आती है, जहाँ अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने की बात आती है, वो नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं। एक जैसे होता है ना कि इंसान एक लिमिट के ऊपर अपनी फीलिंग्स को नहीं शो कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो चुप चुप कर ही सही, पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन मुझे भूल गया, ये मेरे बारे में नहीं सोच रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक टाइम पे इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है, जैसे चीटिंग की हो, या कहीं पे आपसे कुछ झूठ बोला हो, कुछ डिसऑनेस्ट रहे हो, और वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं आ पा रहे आपके सामने, वो आपको फेस नहीं कर पा रहे। लिटरली स्पीकिंग, ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे है, आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे है, क्योंकि लोगों की बातों में आकर, थर्ड पार्टी के वजह से, तीसरे ही किसी लोग इंसान के वजह से इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत हर्ट किया है आपको, बहुत डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ। और अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यही मैं गलत गया, यही तो मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, मुझे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। ऐसा लग रहा है मानो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली, मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन बहुत अफेक्टेड है इस कनेक्शन से। अभी भी उनको हर चीज़ का अभी भी फ़र्क पड़ता है, उनको अभी भी आपकी याद आती है, उनको अभी भी आपके बारे में सोचकर वो इमोशनल हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। आपको अगर किसी और के साथ देखते हैं तो अभी भी उनको जेलसी होती है, तो ये रिश्ता अभी भी उनको काफ़ी अफेक्ट करता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अगर आपसे चीटिंग करी है पास्ट में, या डिसऑनेस्ट हुए हैं, थर्ड पार्टी को लाया है आपकी लाइफ, उन यू नो आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ रहा है। उनकी लाइफ टोटली अफेक्टेड हो चुकी है। उनको खुद को अपनी लाइफ में अब शांति चाहिए, और उनको पता है कि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक वो आपके साथ सब सही नहीं करेंगे, आपको जस्टिस नहीं देंगे, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, वो ऐसे ही परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे, यू नो। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, हर वो चीज़ अपनी जो भी उनके उनके कंट्रोल में है वो चीज़ करना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ भी बेटर हो, क्योंकि उनको पता है जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, और तब तक वो खुश नहीं रह पाएंगे। और वो चीज़ उनको दिख रही है, जब जब वो आपको परेशान करते हैं, जब जब वो आपको टॉर्चर करते हैं, हर्ट करते हैं, चीट करते हैं, जो भी करते हैं, या छोड़ के चले जाते हैं, उनकी लाइफ में ना सारी चीज़ें उल्टी पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि उल्टे दिन, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ बहुत बैडली अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में दूरी ऐसी आ गई है जहाँ पे वो दूरी उनसे सही नहीं जा रही अभी। हो सकता है आपने उनको बोला हो, मुझसे दूर रहो, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझसे बात मत करना, या अपने एक्शन से ही आप उनको ऐसा दिखा रहे हो, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते। वो चाहते आप दोनों में कोई बाउंड्री ना हो, कोई दूरियाँ ना हो, जब वो चाहे वो आपको मैसेज कर पाए, जब चाहे वो आपसे बात कर पाए। ठीक है, क्योंकि उनके नज़र में, उनके दिल में, उनके अंदर सिर्फ आप हो। वो चाहे 10 लोगों से बात करे, या थर्ड पार्टीज में हो, वो आपके लिए, उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा वो आपसे प्यार करते हैं, और अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप दोनों के बीच सेपरेशन हो, कितना समय हो चुका हो, ये पर्सन आपको अपने दिल से, दिमाग से, ज़िंदगी से, जहन से निकाल नहीं पाए हैं। बहुत क्रेविंग है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी भी सोचते हैं कि आप उन्हें माफ़ करोगे, जो भी उन्होंने आपसे किया है, गलत सलत, आप उनको माफ़ करोगे, एक दिन आप दोनों साथ होंगे। उनको बहुत अंदर से ये चाहत है, उनकी इच्छा है कि आप दोनों खुश रहो एक दूसरे के साथ, लेकिन हो सकता है आप उन्हें अभी दूर भगा रहे हो अपने से, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने वो बिहेवियर आपके साथ किया, आपको अवॉइड किया, आपको अपने से दूर ढकेला, आपको इग्नोर किया, अब आप वो चीज़ उनके साथ कर रहे हो। वो जब, मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, वो हो रहा है,
क्योंकि आप नहीं इनको देखना चाहते, आप नहीं इनको, जब तक ये सुधर नहीं जाते आप इनको मौका नहीं देना चाहते। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। हो सकता है ये पर्सन, इनका पैटर्न रहा है आपके करीब आना, आपको आपके साथ फिजिकल होना, इमोशनली आपके करीब आना और फिर आपसे दूर हो जाना। मे बी दिस इज देयर पैटर्न। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसके बाद इनको पता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनको कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे, अलाउ नहीं करोगे उनको अपनी लाइफ में, और वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करके आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि बहुत समय ऐसा हो गया ना जहाँ पे आप भी सैड रहे हो, ये पर्सन भी सैड रहे हैं, कुछ मूवमेंट नहीं हुई आपके रिलेशनशिप में, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब उनको वो एक फ्रेश स्टार्ट करनी है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करनी है। उनको चाहिए कि भाई हम दोनों ऐसे ही दूर दूर ना रहे, वी शुड बी टुगेदर, वी शुड स्टे टुगेदर, वी शुड हैव गुड टाइम टुगेदर। अब वो दूरी नहीं रखना चाहते आप दोनों के दरमियान, वो एक इस दूरी को वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी क्रेविंग इस पर्सन को हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बेहद क्रेविंग इस पर्सन को हो रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में आपसे माफ़ी मांगेंगे, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत सलत किया है, बोला है आपको, बिहेवियर जो इनका गलत रहा है उसके लिए वो सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे। वो इसलिए भी सॉरी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे कि क्योंकि उन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स दिए। कभी भी वो एकदम डंके की चोट पे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की कि वो आपसे क्या फील करते हैं आपके लिए या क्या कर सकते हैं। ओके, या फिर बोली होगी लेकिन उसको प्रूव नहीं किया कभी। उनके एक्शंस हमेशा उनके बोलने, वो जो बोलते थे उससे डिफरेंट ही होते थे, तो वो प्रूव करना चाहते हैं। वो आपको सॉरी इसलिए भी बोलेंगे कि मैं कभी तुम्हें प्रूव ही नहीं कर पाया अपने फीलिंग्स, अपना प्यार, हमेशा चुप रहा, हमेशा दूर रहा। एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, अगर ये पर्सन अभी आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वो और हर्ट नहीं करना चाहते आपको। वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को हील कर ले, वो अपने मन को पहले समझा ले, वो अपने क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते, वो उसको समझ ले पहले, और फिर आपके सामने आए, फिर आपको अप्रोच करे। ओके, दैट इज समथिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी अच्छाई को समझ गए हैं। यस, उनको रियलिटी समझ आ गई है कि आप कितने अच्छे हो, नॉट जस्ट बाहर से दिखावा नहीं, अंदर से एक एज अ पर्सन आप कितने अच्छे हो, कितना गिविंग हो, कितने लविंग हो। आपने हमेशा उनको माफ़ किया, उनकी बड़ी से बड़ी गलती आपने माफ़ किया। आज अगर आप चुप हो, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके पीछे की वजह वो खुद है, उनको पता चल चुका है कि मैं गलत था, इसी वजह से सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। ठीक है, देखो, जब जब तक आप इनके इनसे नहीं जुड़ोगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, सब कुछ आप दोनों में जब तक सही नहीं हो जाता ना, ये पर्सन किसी चीज में इनका मन नहीं लग रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विथ एनीथिंग इन देयर लाइफ। ओके, आप इनकी अल्टीमेट खुशी हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन जैसे होता है ना कि आपको हील करना चाहते हैं, उनको भी पता है कि वो आपको खुशी दे सकते हैं, और आपको भी पता है कि उन्हें ये भी पता है कि वो आप उनको खुशी दे सकते हो। सो दे नो दैट। ओके, देखो, आप दोनों का प्रॉब्लम ये है ना, आप दोनों लड़ते झगड़ते हो ना तो वो टेम्पररी होता है, बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपके पर्सन भाग जाते हैं, वो चीज़ों को सुलझाने के बजाय, वो बात करके, कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करने के बजाय वो भाग जाते हैं। एस्केपिस्ट एनर्जी है इस पर्सन की, तो
पल दो पल के झगड़े के वजह से दूर जाना मुझे नहीं लगता सही है। आपके पर्सन वही गलत करते हैं। उनको भी समझ चुका है ये कि वो क्या गलत करते हैं, कहाँ वो आपसे दूर भाग के कैसे चीज़ों को ख़राब करते हैं। दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड इट, ठीक है। सो डोंट वरी, ये पर्सन खुद आपको माफ़ी खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे, खुद बोलेंगे कि यहाँ मैं गलत गया, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना रिलीज़ कर रहे हो ना इस पर्सन को, लेट गो कर रहे हो, उतना ही ये आपके तरफ खिंच रहे हैं, उतने ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेट गो करो। जब आप एनर्जेटिकली लेट गो कर दोगे तब सामने वाले को आपकी अहमियत समझेगी, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो ठीक है, बट अगर वो प्यार ही नहीं करते तो फिर वो नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ पे आने की गुंजाइश ही नहीं है, राइट। जितना आप इस पर्सन को इग्नोर करते हो ना, उतना इस पर्सन को एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील होता है। सो इसीलिए इग्नोर देम, यू नो, वही उनको रास्ते पे लाने का तरीका है। जितना आप इग्नोर करोगे उतना वो आपके पीछे आएंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत है, ओके, कुछ चीज़ें इनको रोकती भी हैं। और ये ऐसे जाते हैं ना हर वक्त जैसे वो कभी आने ही नहीं वाले, लेकिन मैं आपको बोल दूँ ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। और जितना मुंह उठा के ये बोल रहे थे ना कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है या मैं नहीं आऊँगी, उतना ही यू नो कॉन्फिडेंटली आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि करना पड़ेगा इनको, राइट, क्योंकि प्यार भी उतना करते हैं, अपने दिल की आवाज़ भी सुन रहे हैं। अब वो कन्फ्यूजन नहीं रहा उनके अंदर, क्योंकि वो थक चुके हैं कन्फ्यूजन में रह रह कर, परेशान वो खुद भी हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि अब उनको अकेलापन खा रहा है, अब उनको आपके बिना नहीं रहना। उनको ये भी पता है आप इग्नोर कर सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन टूटकर बिखरने से अच्छा है कि वो इग्नोर ही हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। कब तक इग्नोर करो, आप भी तो प्यार करते हो उनसे, उनको भी ये चीज़ पता है। तो जितना भी इग्नोर करोगे, कब तक इग्नोर करोगे, आपकी भी तो एक लिमिट है, उतना इग्नोर करोगे उसके बाद तो आप उनको हाँ बोल दोगे, उनको पता है बहुत अच्छे से। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हो, मुझे यिन यांग एनर्जी बहुत क्लियरली फील हो रही है यहाँ पे। आपके पर्सन को बेसिकली अपनी सारी गलतियाँ समझ आ रही है कि वो कहाँ आज तक गलत गए, उन्होंने क्या गलत किया आज तक, कहाँ वो सही जा सकते थे, कहाँ उन्होंने सही डिसीजंस नहीं लिए, कहाँ वो भटके, कहाँ वो डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। आप दोनों के बीच में वो एक स्ट्रांग, उनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये कोई इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट लाइफ से चलता आ रहा बॉन्ड है, ठीक है। मुझे ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की मुझे यहाँ पे एक बैलेंस आती हुई दिख रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पे, जो लोग रीडिंग देख रहे हो आज अभी पाइल वन, आप में से काफ़ी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपके मन में ये सवाल था तो येस, यू बोथ आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। और जैसे होता ना कि आप अगर एक यू नो डिवाइन, आप एक फेमिनाइन हो तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो, और वो अगर एक मैस्कुलिन है तो वो एक डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हीलिंग हो चुकी है आप दोनों की। अब आप देखोगे सिर्फ अच्छा समय अपने रिश्ते में, सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ पॉजिटिविटी, जो होगा सिर्फ अच्छे के लिए होगा, क्योंकि हीलिंग जब हो जाती है उसके बाद अच्छा समय शुरू होता है। अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे, ओके, कोई गुस्सा नहीं रखेंगे आपको लेकर, आपसे एक सेकेंड चांस मांगेंगे, अपना नज़रिया बदले, उनका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा हद तक बदल चुका है, लेट मी टेल यू दिस, उनका नज़रिया बहुत हद तक बदल चुका है, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है, यू नो देयर पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड अ लॉट अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है। तो आप होप मत खो, अगर आपने होप खो दी तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा फील कराया है, यू नो आपको अकेला कर दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन ये पर्सन भी तो आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। दे आर स्टिल स्टक ऑन यू, दे आर स्टिल ऑब्सेस्ड विथ यू। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। आप भी पॉजिटिव रहो, होप रखो, मैं जैसे बोल रही थी वीडियो की शुरुआत में, खुश रहो, होप रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर वन। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि पाइल वन से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपके लिए कलेक्टिवली प्रे करूँ। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके पार्टनर या उस पर्सन का नाम इस ग्रुप के में आता है, उनका इनिशियल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो देखते हैं कि करंटली उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कैंडल को लाइट। उस पर्सन का नाम लीजिए, तीन बार दोहराइए अपने मन में। डिवाइन से प्रे करिए कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके जो भी मैसेजेस है वो आप तक पहुँचे। आपके जो सवाल है वो डिवाइन उसके आंसर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू दे दे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं। डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस करेंटली क्या है आपके पार्टनर के। रीडिंग की शुरुआत में ही मुझे एक चीज़ फील हो रही है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ब्लैक मैजिक है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिविटी अफेक्ट कर रही है। या आपके पर्सन पे हो सकती है ब्लैक मैजिक, या ये आप दोनों के रिश्ते पे भी हो सकती है, या आप पे भी हो सकती है। तो एक बार पर्सनल रीडिंग करके आप किसी से चेक करवाओ कि किसके ऊपर है, क्या आप दोनों में से किसी पे है, या आपके रिश्ते पे ही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत डार्क एनर्जी फील हो रही है, जिसके वजह से आपके रिश्ते की जो भी हालत है वो है। ठीक है, एक चीज तो है, आपके पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, अभी भी वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। आपको स्पाई भी करते होंगे, स्टॉक करते होंगे, एक चीज तो बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ मैं। ओके, जैसे होता है ना कि किसी से किसी की आपको लत लग जाती है, वैसे इनको लत लग गई है आपकी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ इतनी, मतलब वो खुश नहीं लग रहे हैं मुझे, बहुत ही स्ट्रेस में दिख रहे हैं। हाँ, इस रिश्ते का स्ट्रेस डेफिनेटली है कि वो आपके बिना अगर है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे दूर है, तो उसका स्ट्रेस तो डेफिनेटली है इस पर्सन को। लेकिन किसी और चीज़ का भी स्ट्रेस मुझे इस पर्सन की लाइफ में दिख रहा है, जैसे इनकी लाइफ जैसे पूरी प्रॉब्लम्स से भरी हुई है, स्पेशली अगर ये आपसे दूर है तो। दे नॉट हैप्पी। ये पर्सन का पता है प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। ये इनका सबसे बड़ा, मुझे लगता है इनकी गलती है। ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, या आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना कि फंस जाते हैं। ठीक है, ये अपनी ही गलतियों के भंवर में फंस जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन की पता है पर्सनैलिटी कैसी है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, फिर उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचना, और फिर जब चीज़ें खराब हो जाती है फिर टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना। इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ भी वैसा ही किया है कि बिना सोचे समझे कुछ बिहेव कर दिया, कुछ बोल दिया, और फिर उसी का कहीं ना कहीं नेगेटिव असर इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है। इस पर्सन को अभी स्टक फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे अबाउट दिस सिचुएशन। उनको लगता है एक टाइम था जब सब कुछ वो सही कर सकते थे, तब उन्होंने नहीं किया, और अब जब उन्हें चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद बहुत होपलेस और स्टक फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है उनको कि उनकी पूरी जिंदगी टूट के बिखर के गिर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन किसी एक नतीजे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या आपको लेकर अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, मैंने बोला ना इस पर्सन की जैसे जैसे मनहूसियत छा गई है इस पर्सन की जिंदगी पे, खुश ही नहीं रह पा रहे हैं चाहकर भी। ये आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, ये आपसे एक मौका चाहते हैं, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन वही है, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ चुप चुप कर देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। बट कुछ करना चाहिए ना, सोच के तो कुछ होने नहीं वाला, कोई एक्शन तो लेना चाहिए, वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। यही प्रॉब्लम है इस पर्सन की, दे आर जस्ट थिंकिंग एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों का रीयूनियन होने नहीं दे रही है, सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता है। ये बस आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन बहुत दर्द में है, दे आर नॉट हैप्पी। मैं आपको फिर से बार बार यही चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जी मुझे फील हो रही है, दर्द में है लिटरली ये पर्सन, का दिल दुख रहा है, इनको बहुत पेन हो रहा है, ये बहुत डरे भी हुए हैं। ओके,
और इस पर्सन के लिए भी ये नई नई बात है, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ही नहीं जो किसी से डरे. ये बहुत ही रिस्क टेकिंग एनर्जी वाला पर्सन था, ये बहुत ही यू नो फ्री स्पिरिटेड पर्सन था, लेकिन ये ऐसे हो गए. यू नो इंसान जब प्यार में पड़ जाता है ना, वो ऐसी चीज़ें करने लगता है जो उसने कभी नहीं की है. और आपके पर्सन के साथ भी वो चीज़ बहुत शॉकिंग है उनके लिए, खुद के लिए, कि वो इतने पेन में क्यों है, वो इतना आपके बिना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो दुखी क्यों है. क्योंकि वो मिस कर रहे हैं, दे मिसिंग द केमिस्ट्री, दे मिसिंग द रिलेशनशिप, दे मिसिंग द स्पार्क, द जो पैशन था आप दोनों के बीच में, वो मिस कर रहे हैं उस चीज़ को. सिर्फ मेमोरीज रह गई है इस पर्सन के पास आपकी. अगर आप दोनों कभी फिजिकल हुए थे, इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत पैशनेट था, बहुत ही हॉट था. एंड दे आर मिसिंग इट, दे वॉन्ट टू बी फिजिकल विथ यू, दे वॉन्ट टू बी सेक्शुअल विथ यू. फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपको. अगर वो नहीं कर पा रहे आपके साथ कुछ भी, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, दे फैंटेसाइजिंग इट. मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आने वाले समय में ये पर्सन आपके पीछे पागल होने वाले हैं. मतलब आप भी परेशान हो जाओगे कि ये इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है. इतने ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस करेंगे, इतने ज़्यादा चेज करेंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू, आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे. ठीक है. बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं. कुछ हो सकती है सीक्रेट्स जो इन्होंने आपको नहीं बताई, तो कुछ सीक्रेट्स डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं एक नई शुरुआत करने से पहले. ये आपके साथ, आपके सामने कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहते, दे वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ठीक है. लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक वार्निंग है आपके लिए. ये इनकी हर बात, जो हर चीज़ ये बोल रहे हैं ना, आप उस पर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि काफ़ी तो ये एग्जैगरेट करेंगे. काफ़ी चीज़ें ये सिर्फ रिलेशनशिप में वापस आपके साथ आने के लिए बोल सकते हैं. तो एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है इस पर्सन पे. ठीक है. आप फंस सकते हो. ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. सिर्फ और सिर्फ आधा सच आपको बता सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, या आपके साथ गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं. तो बच के रहिए. ठीक है. क्योंकि इस पर्सन को पता है, अभी आप दोनों के बीच में अगर कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उनको बहुत अच्छे से पता है, एक दिन तो ऐसा आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. दे नो दैट. मतलब सोचिए कि उन्होंने आपको कितना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कि उनको पता है कि आप एक दिन तो माफ़ कर ही दोगे, एक दिन तो बात हो ही जाएगी, एक दिन तो फिर से रिलेशनशिप में आ ही जाओगे, इसलिए मैं वॉर्न कर रही थी आपको. लेकिन हाँ, ये मिस बहुत कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत सच है. मिस काफ़ी कर रहे हैं आपको, मिस क्रेविंग बहुत हो रही है इस पर्सन को. आपको अगर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है. फिर से बता दूं, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कुछ डार्क एनर्जी मुझे फील हो रही है. या तो ये आप पे है, या तो उन पे है, या आप दोनों पे है, या इस रिश्ते पे है. ये आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी. ठीक है. ये पर्सन आपके बिना बहुत ही थके हारे से, अकेले, शैलो, यू नो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू बी विथ यू, वो चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, उनका दिल उनको बार बार आपके तरफ खींच रहा है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन माफ़ी तो मांगना चाहते हैं आपसे, और आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं समझ आ रहा है कैसे वो आए, क्या बोले. उसी कश्मकश में है. दे आर स्टिल थिंकिंग वॉट टू से, वॉट नॉट टू से, कैसे आपको अप्रोच करना है. मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी एनर्जी को क्लेंस करना चाहते हैं, अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई करना चाहते हैं. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप माफ़ भी कर दोगे. अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप माफ़ कर दोगे, बट मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ, ये चीज़ वॉर्न कर रही हूँ, एकदम इनके हर बात पे ट्रस्ट मत करो. गिव देम अल्टीमेटम कि मुझे प्रूव कर दो, या एकदम से ट्रस्ट करके इनके साथ फिर से जुड़ने की आपको गलती नहीं करनी है. बस मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अभी भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो इनके अंदर नहीं होनी चाहिए. जैसे इनका ईगो है, इनके इंटेंशंस उतने प्योर नहीं है जितना ये आपको शो करेंगे. ठीक है. देखिए, आप कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन को
सुधारना है अपने अपने बिहेवियर से. आपको इनको इग्नोर करना है, आपको इनको जल्दी से इन पे ट्रस्ट नहीं करना है, इनको हाँ नहीं बोलना है, वरना ये बिगड़ सकते हैं और फिर आपको इग्नोर यू नो आपको भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज़ की. लेकिन कुछ तो 50% सच तो ये बोलेंगे आपके सामने, जो भी है, जो भी इन्होंने इनको बोलना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं बोला, जिसके वजह से आप दोनों लड़ रहे हो या आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही है. या अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई बार 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 होती है, यू नो रेपिटेटिवली आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि पर्सन अपना सच पूरा नहीं बताते, फिर दूर हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आधा सच बताते हैं, फिर दूर हो जाते हैं. लेकिन हाँ एक चीज़ है, आप दोनों के बीच रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि यू नो टेंशन टेंशन मतलब एक खिंचाव है आप दोनों के बीच में, इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग खिंचाव है, ठीक है. और वो सच बोलने से ही दूर हो सकता है, जो दूरियां है आप दोनों के बीच की, जब ये पर्सन आपसे सच बोलेंगे पूरा, आधा अधूरा नहीं पूरा, तभी ही वो कंप्लीट यू नो वो डिस्टेंस फुलफिल होगा. ओके मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन फिर से भी आपके लाइफ से जा सकते हैं. अगर फ्यूचर में ये पर्सन आए आपकी लाइफ में तो फिर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, फिर से अबैंडन कर सकते हैं आपको. सो बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. मुझे नहीं लगता ये पर्सन फ्यूचर में अपनी फीलिंग्स को और दबा पाएंगे, और ज़्यादा अपने आप को रोक पाएंगे. ओके अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता. सो या क्योंकि होता है इंसान एक सही समय ऐसा आता है जहाँ पे वो यू नो दिखावा नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता, एंड दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सो ये ज़रूरी भी था कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझे, आपकी इंपॉर्टेंस समझे. वो तो हो गया है, चलो आधी जंग तो आपने जीत ली है. बस मैं आपको बोलूँगी इन पर तुरंत ट्रस्ट मत करो, उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका दो. और जब आपको पूरा 100% ये यकीन हो जाता है कि हाँ वो सुधर चुके हैं, तब आप यू कैन यू नो ट्रस्ट दिस पर्सन फिर आगे. ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन अभी भी इनको बहुत बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाना ज़रूरी है, दे नीड टू चेंज देमसेल्व्स. ओके सो या दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 2. कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा. रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है. और या मिलते अगली वीडियो में, बाय. हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पेल जार के बारे में. तो ये है प्रोटेक्शन स्पेल जार, ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से, नज़र दोष, जो भी स्पेल वर्क कोई अगर आप पे कराता है या किसी ने कराया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बस अपने साथ रखना है. ये एक रिचुअल से बनाया हुआ एक स्पेशल स्पेल जार है, तो ये बस आपको साथ में रखना है. और इसका यूज़ तब तक ही हो सकता है अगर इसको आप ब्रेक ना करो, तो अगर ब्रेक हो गया तो आपको नया लेना पड़ेगा. तो जब तक ये है इंटैक्ट तब तक ही इसका असर रहेगा, अगर ये टूट गया इनकेस तो आप का इसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा. तो ये प्रोटेक्शन स्पेल जा रहा है जो मैंने नया लाया है, तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके इसको अपने लिए बनवा सकते हो. ये मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, ये आपके ऑर्डर पे बनेगा, ये किसी क्लाइंट का स्पेल जा रहा है, ठीक है. तो आपको भी अगर ये स्पेल जार लेना है प्रोटेक्शन वाला, तो मुझे जल्दी से मैसेज करो, व्हाट्सएप करो और अपने अपने लिए बनवा लो, ऑर्डर कर लो. और ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाता भी है, और अगर कोई नेगेटिविटी ऑलरेडी है उसको भी रिलीज करता है. सो बुक नाउ. सो ये है प्रोटेक्शन ऑयल. तो इसका यूज़ इस तरह से आपको करना है कि आपको रोज़ अपने रिस्ट पे या कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे आप इसको लगा सकते हो, रोज़ लगाना है आपको. ये ऑयल आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी नज़र दोष से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से. अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आप सब सही कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंड टाइम पे गलत हो जाता है, तो वो नज़र की वजह से ही होता है. और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके घर में किसी को भी ब्लैक मैजिक किसी ने कराया है या कोई भी तंत्र या कुछ भी कराया है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम से लगाने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव. और तो आप अगर ये प्रोटेक्शन ऑयल लेना चाहते हो अपने लिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा. ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है. सो बस आपको इसको दिन में लगाना है एक बार, आप मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हो. अगर आपको लगता है कि कहीं पे जा रहे हो आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे या फंक्शन पे, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे नज़र लग सकती है, तो आप वहाँ पे लगा के जाओ, या आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो. सो या अगर आपको ये
स्पेल ऑयल लेना है स्पिरिचुअल करके ही मैं बनाती हूँ इसको. आप जैसे ऑर्डर करोगे आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा आपके नाम से, ठीक है. सो मंगवाना है तो स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो जल्दी से जब मंगवाओ. एंड या